सिद्धार्थनगर में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरा होने पर डुमरियागंज में भाजपा कार्यालय का शुभारंभ किया गया। भाजपा के प्रदेश मंत्री संजय राय ने कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर हिंदू वाहिनी के प्रदेश प्रभारी व पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह व पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी, भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद माधव समेत भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश मंत्री संजय राय ने कहा कि वास्तव में तो सरकार ने 6 साल का कार्यकाल पूरा किया, आज प्रदेश में गुंडा व माफिया का खात्मा हो गया है, गरीबों के चेहरे पर खुशी है। वहीं पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि कार्यालय की जरूरत थी, कार्यकर्ता को बैठने के लिए। आज योगी सरकार के 6 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश का हिंदू प्रसन्न है, आज सभी मंदिरों पर पूजा हो रहा है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी पर कोर्ट ने जो किया उनका स्वागत है, राहुल गांधी खुद को युवराज समझते हैं। वास्तव में तो सरकार का 6 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, यह तो दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष है। सबसे जो बड़ी बात है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा माफिया राज समाप्त हो गया है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर ईमानदारी का बोलबाला है, भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है, आज उत्तर प्रदेश के हर गरीब को आशा जगी है, जो है माननीय योगी जी की सरकार से, कि इनके कारण हमारे मकान बन रहे हैं, इनके कारण हमको जो है कि तमाम सुविधाएं मिल रही है, वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, इन भाजपा की सरकारों के कारण उज्ज्वला गैस, भाजपा की सरकारों के कारण उनको शौचालय, आवास, राशन, तमाम सुविधाएं। और जहां एक तरफ जो है कि गरीबों के चेहरे पर खुशी है उत्तर प्रदेश के, वहीं दूसरे तरफ उत्तर प्रदेश के जो माफिया हैं उनके चेहरे पर मासूमियत है, उनके चेहरे पर मुरझान है, वो जो है रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि मैं यही मानता हूं उत्तर प्रदेश सरकार की। कार्यालय का उद्घाटन आवश्यकता थी कार्यकर्ताओं को बैठने के लिए, चूँकि कार्यालय से संगठन जुड़ा हुआ है, कार्यकर्ता कार्यालय कोष ये सब तो आवश्यकता है। पूज्य योगी जी के द्वितीय कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर, और वैसे कहिए तो 6 वर्ष पूरे होने पर, योगी सरकार 2 के 1 के उपलक्ष में यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम, विकास कार्यों पर चर्चा। और वैसे अगर हम कहें तो हम तो भाजपा के कार्यकर्ता नेता हैं, आम जनता उत्सव मना रही है, सभी मंदिरों पे जाइए, उत्साह का पर्व मनाया जा रहा है, और ये सब योगी जी की देन है कि आज हिंदू महसूस कर रहा है कि हम इस देश के नागरिक हैं। 6 साल पहले की कल्पना अगर कर लीजिए तो आपको स्वतः लग जाएगा कि 6 साल पहले पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की नागरिकता से बुरी नागरिकता उत्तर प्रदेश के लोगों की थी। आज योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का हिंदू प्रसन्न है, खुशहाल है, और सभी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अभियान को उत्तर प्रदेश में गति मिल रही है, और यह सरकार की आवश्यकता आने वाले 20 सालों तक अभी है। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने पर विपक्षी आरोप लगा रहे हैं, विपक्षी तो आरोप लगाना उनका काम ही है, लेकिन लोकतंत्र का मतलब यह थोड़ी ना है कि जो चाहिए किसी को छूट दे दी कहने की। और राहुल गांधी अपने आप को युवराज समझते थे, राहुल गांधी अपने आप को राजा समझते थे, राहुल गांधी अपने आप को इस लोकतंत्र से बड़ा तंत्र मानते थे, और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में यहाँ की अदालत ने दिखा दिया कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति बराबर है, किसी को भी कानून से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। राहुल गांधी के लिए जो कोर्ट ने फैसला किया वो स्वागत योग्य है, और इसका स्वागत किया जाना चाहिए।